उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के बड़े नेताओं में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने मंत्री पद छोड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी सरकार की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि स्वामी ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही ये कहा कि वो सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन झगड़े की असली वजह यूपी के एक विधानसभा सीट और बेटे को सेट करना है। सियासत में लंबी पारी खेल चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य बीजेपी की बदायूं से सांसद हैं। 5 बार के विधायक मौर्य लंबे समय से अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य का राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस प्रयास के तहत वो पहले बसपा और फिर भाजपा के टिकट पर बेटे को रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लड़वा चुके हैं। दोनों ही बार उत्कृष्ट चुनाव हार गए। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि एक बार फिर स्वामी इसी सीट से बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं थी। जिस तरह मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बागी रुख अपनाया है, ठीक उसी तरह उन्होंने बसपा से नाता तोड़ा था। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौर्य को पार्टी से निकाले जाने का दावा करते हुए बड़ा खुलासा किया था। मायावती ने कहा था कि वो अपने बेटा बेटी को टिकट देने के लिए दबाव बना रहे थे। मायावती ने यह भी कहा था कि पार्टी नेताओं के कहने पर उन्होंने 2012 में मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से टिकट दिया था, लेकिन जीत नहीं पाए। एक बार फिर वो टिकट मांग रहे थे। क्या सपा में जाने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनचाही मुराद मिल पाना मुश्किल है? स्वामी प्रसाद मौर्य यदि सपा से बेटे के लिए ऊंचाहार की सीट की मांग करते हैं तो सपा में भी बगावत तय है। ऊंचाहार से सपा के ही मनोज पांडे ने 2 बार उत्कृष्ट मौर्य को हराया है। ऐसे में यदि सपा ऊंचाहार सीट से स्वामी के बेटे को टिकट देती है तो मनोज पांडे बगावत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की नज़र पहले से ही मनोज पर है। अब सपा स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे को एक साथ साधने की कोशिश में लगी है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद से कहा कि वो बेटे उत्कृष्ट को किसी और सीट से चुनाव लड़ा लें। चर्चा है कि सपा ने स्वामी के बेटे के लिए फापामऊ सीट ऑफर की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने का एक और बड़ा कारण है। आपने सुना है कि नमक से नमक नहीं खाया जाता। स्वामी की भाजपा में हालत ठीक नहीं थी। बीजेपी में दोनों मौर्यों यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ मधुर नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य को पता था कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य के रहते बीएसपी जैसी हैसियत हासिल नहीं कर पाएंगे। बीजेपी में वे शीर्ष ओबीसी नेता नहीं बन सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में गैर यादव ओबीसी नेता बन सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को लेकर उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि वे सपा में कितने कामयाब हो पाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।